देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के हलसी से है। बिहार सरकार के निर्देश पर सूबे में सभी प्रखंडों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के गेरुआ पुरसंडा पंचायत स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय राता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार, DDC सुधीर कुमार, SP पंकज कुमार, ASP रोशन कुमार, BDO विभू विवेक, अंचल अधिकारी विवेक कुमार के अलावा जिला स्तरीय के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पंचायत के मुखिया लक्ष्मण कुमार ने की। इस कार्यक्रम में सभी पंचायत प्रतिनिधि के अलावा काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जनसंवाद कार्यक्रम में सबसे पहले विभिन्न विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अपने अपने विभाग द्वारा पंचायतों में संचालित योजना की विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उसकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से PM आवास योजना, नल जल योजना, मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, राशन कार्ड, कल्याण सांख्यिकी, श्रम प्रवर्तन, छात्रवृत्ति, आंगनबाड़ी, राजस्व विभाग व अन्य विभाग के पदाधिकारी अपने अपने विभाग द्वारा पंचायतों में चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से राशन कार्ड नहीं बनने और नल जल योजना के बदहाली की शिकायत अधिकारी से की। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि यह जनसंवाद कार्यक्रम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सेतु का काम करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता और पदाधिकारी सीधे एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिलता है, जिससे ग्रामीणों को कई अन्य महत्वपूर्ण योजना की जानकारी मिल रही है। साथ ही पदाधिकारी भी ग्रामीण की समस्या से ऑन द स्पॉट अवगत हो रहे हैं, ताकि समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। लखीसराय के हलसी से सुजीत कुमार संघ, केशव कुमार की रिपोर्ट। नहीं कर पाते हैं उनको सरकार पढ़ाई के लिए 4 लाख तक का कर्ज उपलब्ध करा रही है। मैट्रिक के बाद ITI के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए और इंटर के बाद लगभग सारे कोर्सेज हैं, जिसके लिए सरकार अधिकतम 4 लाख रुपए तक का कर्ज पढ़ाई के लिए उपलब्ध करा रही है और उसमें ब्याज दर जो बहुत सिंपल है। देखिए, जब संवाद शुरू से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसमें रुचि ले रहे हैं और हम लोग का जो प्रयास है वो अभी सफल दिख रहा है। बताया कि अब 1 महीने के बाद इसका रिजल्ट हमको पता चलेगा कि कितना आवेदन बढ़ा है, कैसे शिकायतें आ रही, कैसे सुझाव आ रहे हैं। हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसका जो भी आवेदन आया सब पे बात होगी, सब पे एक्शन लिया जाएगा और ये जन जन तक पहुंचाना है हमारा काम है सरकार की योजनाओं को, और जो एक्चुअल लाभुक होने चाहिए वहाँ तक ये मैसेज हम लोग लगता है कि पहुँचाने में सफल।